Hello students, in this session we will continue with exercise number 10.3, question number 3. If two circles intersect at two points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. Okay, first of all, we have given two circles, circle with center O and circle with center P. Okay, let's write down that first. Here, what we have given is circle with center O and radius OA. Circle with center P and radius PA. ठीक है? Now, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. फिर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ए बी पे, ए और बी पे, और ए बी जो है वो इनका कॉमन कोर्ड है. सो दे हैव अ कॉमन कोर्ड एंड दैट इज ए बी. अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि ये ओ पी जो है वो ए बी से परपेंडिक्यूलर है. ओ पी इज परपेंडिक्यूलर टू ए बी. And also we have to prove that suppose यहाँ पे point है M, तो AM is equal to BM, AM is equal to BM. ये दो चीज़ें prove करके लानी है. ठीक है, तो let's write down the proof of the question. First of all हम लोग करेंगे join OA और PA को, OB और PB को. Join OA and PA, OB एंड पी बी. अब ट्राइंगल कंसिडर करो ए ओ पी एंड बी ओ पी. फॉर ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ और बी ओ ये दोनों तो सेम होंगे. क्यों? क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस है. सो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. सिमिलरली पी ए और पी बी भी सेम होंगे, वो भी रेडाई है सेम सर्कल के. सो ए पी इज इक्वल टू बी पी. एंड दोनों ट्राइंगल्स में ओ पी जो है वो कॉमन है. सो फॉर बोथ द ट्राइंगल्स ओ पी इज इक्वल टू ओ पी. देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी is congruent to triangle BOP. That means इसके corresponding parts यानी कि ये angle और ये angle equal होगा. So angle AOP is equal to angle BOP. Done up to this? Now the thing is that अब हमें triangle consider करना है AOM and BOM. Let's consider those two triangles. In triangle AOM and triangle BOM, we have AO is equal to BO, AO is equal to BO. Phir AOM is equal to BOM, angle AOM is equal to angle BOM. Or OM जो है वो दोनों का कॉमन साइड है. OM इज इक्वल टू OM. देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM. ठीक है, AOM और BOM कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स AM और BM इक्वल होंगे. सो AM इज इक्वल टू BM. ऑल्सो एंगल AMO is equal to angle BMO. ये दोनों angle भी equal होंगे. Angle AMO is equal to angle BMO. दोनों का reason है CPCT, corresponding parts of congruent triangles. अब AMO और BMO दोनों मिल के linear pair बना रहे, so दोनों का plus होगा 180. Now एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180. देयरफॉर
बी एम ओ की जगह पे हम पुट कर देंगे ए एम ओ, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180, देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90, देयरफॉर पी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंगल ए एम ओ 90 डिग्री हो गया, मतलब इधर भी 90, तो ये ओ पी जो है वो ए बी से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ओ पी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा क्योंकि ए एम और बी एम इक्वल है, सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ए एम और बी एम इक्वल होने की वजह से ओ पी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, क्लियर।